हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आज आप लोगों को पता ही है कि यार मैं केक बनाने लगी हूँ और आई एम गोना मेक दिस केक इन माइक्रोवेव अवन। बहुत ही आसान रेसिपी है और ऐसे मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर आपके इंग्रेडिएंट्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपके पास घर में है, बस एक दो चीज़ें जो बाहर से मंगवानी पड़ेंगी आपको, और इसके अलावा आप ऐसे लाइक मिनटों सेकंडों के अंदर आप ये केक बना सकते हैं लाइक ऐसे। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि अवन में बहुत ज़्यादा, माइक्रोवेव अवन में बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू बेकिंग अवन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या क्या। यहाँ मैंने लिए हैं 4 अंडे, आपको 4 अंडे चाहिए। इसके अलावा यहाँ मेरे पास 1 बड़ा टेबलस्पून मतलब 1 बड़ी चम्मच मेरे पास है बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने ये वाला यूज़ किया है और कोको पाउडर मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसके अलावा मेरे पास 1 कप चीनी है, तकरीबन 1/4 कप देसी घी का है, आप लोग मेल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास 1 कप ही, मतलब वो 1 कप जो आप छोटा चाय वाला कप होता है ना, उसके मतलब आप उसके मेजरमेंट्स ले सकते हैं। और मेरे पास 1 कप मैदा है। इसके अलावा यहाँ मेरे पास बीटर है, हैंड बीटर है आपके पास अगर, मतलब मेरे वैसे इलेक्ट्रिक है, अगर आपके पास मतलब ये वाला बीटर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप इसको हाथ से भी फेंट सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे 1 बाउल लिया है और ओवन में बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये मतलब ऐसे शीशे का बाउल लिया। आप कोई भी शीशे का जो ओवन सेफ हो, मतलब ये ना हो कि आप ओवन में रखें वो टूट जाए, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी वैसे एहतियात जरूरी है, और मैंने 1 बाउल लिया है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 4 अंडे लेंगे और मैं 4 अंडे, यार वैसे गर्मियों में ना बंदा अंडे थोड़े से ध्यान के लेने पड़ते हैं, ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि वो ख़राब भी निकल आते हैं, लेकिन खैर अल्लाह खैर करे। आउच, मैं यहाँ पे 4 अंडे लूँगी और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप चीनी, और इसको मैंने उस वक्त तक बीट करना है। ये 1 कप चीनी मैं इन 4 अंडों में ऐड कर रही हूँ और मैंने इसको उस वक्त तक बीट करना है जब तक ये फुल पीक्स फॉर्म में नहीं आ जाएगा, लाइक ऐसे फुल फ्लफी फॉर्म में ही नहीं आ जाएगा, और जब मैं ऐसे उसको उठाऊँगी तो सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हाथ साफ कर लूँ मैं। और यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जब आपने बीट करना है तो आपने कोई गहरा बाउल लेना है। पता नहीं, हालांकि ये बात मुझे पता भी थी, लेकिन समटाइम्स वो मेरे ब्लंडर, दैट्स ओके। तो मैंने इसको फॉरन चेंज कर लिया क्योंकि ये उल्टा बैग जाता था। केक बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने अंडे और चीनी का जो मिक्सचर है उसको इतना फेंटना है, मतलब इतना बीट करना है, वो अपने साइज से डबल ट्रिपल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो एक क्रीमी शेप में आ जाएगा। आप कह ही नहीं सकेंगे कि यार ये अंडे थे जिसको अभी मैं फेंट रही थी। और इसको करने में आपको हार्डली 10 से 12 मिनट लगेंगे, बस आपने उसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। आफ्टर दैट हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, जैसे कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बता चुकी हूँ, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स यानी घी भी, आपके पास ऑयल है आप ऑयल यूज़ कर लें, बटर है मेल्टेड बटर यूज़ कर लें, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मतलब वो पूरा कप नहीं लेना, कप से थोड़ा सा। साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर ऐड कर दूंगी। अब कोको पाउडर ना आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को डार्क चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद होती है तो आप उसमें ज्यादा चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। मैंने भी इसमें जो है ना, मतलब पहले 1 टेबलस्पून डाली थी, लेकिन फिर मैंने बाद में थोड़ी सी और ऐड कर ली थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार नहीं, डार्क कलर नहीं आ रहा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये कि आपने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद ना उसको बीट नहीं करना, आपने सिर्फ उसको अच्छी तरह फोल्ड करना है। मतलब अगर तो आपके पास वुडन या वो स्पैचुला है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उससे अच्छी तरह उसको फोल्ड करते जाएं। मैंने यहाँ स्पून की हेल्प से उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बाउल के अंदर आपकी मर्जी, आप उसके अंदर नीचे बेकिंग पेपर लगाना चाहते हैं तो आप लाजमी लगा लें उसको, अगर आपने किसी और चीज में ट्रांसफर करना है। मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने डिश में ही रहने देना था। इसको अच्छी तरह साफ कर लूंगी, इसको हमने डाल देना है इसमें बेकिंग बाउल में, और ओवन में मैं इसकी सेटिंग्स लगाऊंगी ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स। ऑलमोस्ट 8 मिनट्स के अंदर आपके ओवन में केक फुल बेक होकर रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर मतलब आपको फील हो कि नहीं है, प्रॉपर कुक नहीं हुआ, तो आपने ऐसे करना है कि एक टूथपिक लेके ऐसे अंदर डाल के चेक कर लिए, नहीं अगर वो क्लीन बाहर आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि केक अंदर तक बेक हो चुका है। अच्छा, आप समटाइम्स ना माइक्रोवेव की हीट वेरी करती है, वेरियंट टू वेरियंट। हमारे घर डॉलेंस का माइक्रोवेव है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 7 मिनट्स लगे थे और केक बेक हो गया था। पूरे 7 मिनट्स के अंदर केक बिल्कुल बेक हो चुका था। और अब दूसरी तरफ यहाँ मैं बनाने लगी हूँ ऊपर चॉकलेट टॉपिंग। तो बनाने के लिए आपने ठंडे दूध के अंदर ही कोको पाउडर और चीनी डाल लेनी है और उसको अच्छी तरह मिक्स करके विस्क करके उसके बाद आपने चूल्हे पर रखना है। उससे ये होगा कि बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप गर्म दूध में डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको विस्क करने में, वो लम्स बन जाते हैं। तो बस आपने इसको थोड़ी देर चूल्हे के ऊपर रखना है, अच्छी तरह पकने देना है, और थोड़ी देर 1-2 उबाले दिलवा के फिर आपने इसमें मैदा की सॉरी थोड़े से पानी में मैदा घोल के वो स्लर्पी बीच में डाल देंगे तो वो बिल्कुल थिक हो जाएगी। एंड में आपने 1 से 2 चम्मच ऑयल के डाल दें, वो जरा ना चॉकलेट को शाइन देता है। ये जो आपकी चॉकलेट टॉपिंग है ना, ये लिटरली ऐसे मतलब जितनी देर में केक बेक होगा ना इतनी देर में ये बनके तैयार हो जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने इसके कंटिन्यूअसली चमचा हिलाते रहना, अदरवाइज ये ना हो कि वो नीचे लग जाए। और ये भी कि बहुत ज्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे वो ठंडी होगी तो वो ज्यादा थिक हो जाएगी। और मुझे इसमें नट्स बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इसमें आमंड्स क्रश करके डाल सकते हैं। ये देखें, इधर से हमारा चॉकलेट सिरप रेडी हुआ और इधर से हमारा केक
केक भी बिल्कुल बेक होकर रेडी हो चुका है और ये देखें अपने साइज से ट्रिपल हो चुका है ये इस टाइम पे। और हमारी थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि केक को सॉफ्ट रखने के लिए आपने उसमें बेक होने के फौरन बाद गरम गरम केक के ऊपर ही आपने दूध डाल देना है। मैंने केक में ऑलरेडी चीनी प्रॉपर डाली हुई थी तो मैंने इस वजह से दूध में बिल्कुल मीठा मिक्स नहीं किया। होते हैं ना जो हम बेकरी से केक्स लेते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी होते हैं, उनकी यही टेक्निक होती है। अच्छा एक बात और कि अगर आप चॉकलेट बनाते हुए इसमें क्रीम ऐड करें तो वो भी बहुत प्यारा टेस्ट देगी। मेरे पास ऑन द स्पॉट पड़ी भी नहीं थी तो मैंने कहा यार लेट्स स्किप इट। घर में कोई चॉकलेट पड़ी हो तो वो भी आप ऐसे ही बीच में डाल के थोड़ी सी मेल्ट कर लीजिएगा। केक तो बन गया और अब ये इतने सारे बर्तन उफ तौबा। तो खैर एनीवेज उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। मुझे तो यार वैसे गरम गरम ही बहुत ज्यादा पसंद है। मैं सच्ची बताऊं इसको बनाने में ना आपको आधा घंटा भी नहीं लगना, आपने सिर्फ सारी चीजें बाजार से मंगवा लेनी है, होपफुली आधी तो आपके घर में ही मिल जाएंगी। और ये इतना मजे का बनेगा कि आप लोगों ने लास्ट मिनट मुझे इसका फीडबैक देना है। मैंने सिर्फ चखने के लिए काटा था और मैं पूरा पीस खा गई हूँ और इतना मजे का बने ना सच में। यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी और जैसे भी बने आप लोगों ने मुझे लास्ट मन बताने एंड टैग मी इन द इंस्टाग्राम स्टोरी एंड आई विल अपलोड इट। सच में बहुत मजे का बने। और मुकीत 2 मिनट के लिए घर से बाहर गए थे, जब वापस आए तो मैंने कहा केक खाएंगे, कहते हैं कहाँ से आया, मैंने कहा मैंने बनाया है। और ज्यादा बर्तन लगाने का क्या, इनको मैं अपनी प्लेट में दे दूंगी। सीधे होके तो पहुंचे चले ना, कैसा बने? बहुत मजे का बना है सच्ची। हाँ जो आज नट्स डाले हैं बहुत मजे के लगे। थैंक यू। खाओ। हो गया।